और बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। विधायक के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी विधायक मंजू सिवाच का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके पति पर एफआईआर। डॉक्टर देवेंद्र सिवाच पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। मोदी नगर में कल अक्षय सांगवान की हत्या हुई थी और ये कहा जा रहा है कि उस युवक को पहले बुलाया गया और फिर ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। तो ये बड़ी खबर देखिए, गाजियाबाद जिले के मोदी नगर की कृष्णा कुंज कॉलोनी में सोमवार रात हुए अक्षय सांगवान हत्याकांड में मोदी नगर विधायक मंजू सिवाच के पति देवेंद्र सिवाच और तिबड़ा के ग्राम प्रधान पति आशीष सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से विधायक मंजू सिवाच के ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। पुलिस सभी नामजद आरोपियों को तलाश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक मोदी नगर की कृष्णा कुंज कॉलोनी का हम जिक्र कर रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने घर से बुलाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस हत्याकांड से गुस्साए परिवार वालों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ही करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली मेरठ मार्ग पर जाम भी लगा दिया था। तो कल मोदी नगर में ये हत्या हुई थी। तस्वीरें हम आपको लगातार दो दिखा रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिवाच पर गंभीर आरोप लगाया, आरोप ये लगाया कि जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें से विधायक के पति भी हैं और उन्होंने बुलवाकर और फिर उस व्यक्ति को गोलियों से भूना, ऐसा माना जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। और इसी की वजह से दूसरी तस्वीर आप हंगामे की देख रहे हैं, क्योंकि लोग प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद भारी पुलिस बल तैनात की जाती है। अमित राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अब ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया अमित, जब विधायक के पति का नाम आता है और एक ग्राम प्रधान का भी। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त की क्या तस्वीर है? जीनत, आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात जब अक्षय नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, बाइक सवार बदमाश आते हैं, उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत भी हो जाती है। पुलिस की कई टीमें भी वहां तभी गठित कर दी गई थी। परिजनों ने रात भी आरोप लगाया था इस बात को लेकर कि इसके पीछे किसी बड़े शख्स का नाम है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, जिसमें तकरीबन 6 लोगों को उसमें किया गया है, उसमें नामजद जो है मंजू सिवाच, जो कि मौजूदा विधायक है मोदी नगर की, उनके पति देवेंद्र सिवाच का उसमें नाम लिया गया है। 120B के धारा के अंतर्गत उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अब तक भी ये आरोप लगते रहे हैं कि विधायक मंजू सिवाच के पति ही पूरी विधायकी उनकी संभाला करते थे। यही कारण भी रहा कि लोगों को इस बात को लेकर रोष भी बेशक रहता था, लेकिन इसका कोई भी असर इन पे नहीं पड़ा है। वहीं परिजनों का लगातार इस बात को लेकर मांग है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ताकि इस मामले को किसी तरीके से राजनीतिक दबाव ना लिया जा सके, क्योंकि मौजूदा विधायक वहां से मंजू सिवाच है और उनके पति का इस पूरे प्रकरण में नाम आया है। तो ऐसे में कहीं आम जनता इस जगह में ना फंस जाए, क्योंकि जो वहां की मौजूदा विधायक है उनके किसी पक्ष में आकर कहीं पुलिस के द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट न लगा दी जाए, इस बात को भी परिजन बार बार उठा रहे हैं। और जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी परिजन द्वारा कही जा रही है। अक्षय के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जितेंद्र पहलवान नाम का व्यक्ति था, अमित, 8 लोगों का जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि 3 लोग बाइक पर आए थे और उन्होंने इस घटना पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे थे। अब जो लोग हैं वो दबाव भी बना रहे हैं, नाराजगी भी है, और क्योंकि विधायक के पति का नाम आ गया है तो मामला तो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये कि इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, दबदबा बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जाती है। मोदी नगर वो इलाका है जो कि गाजियाबाद का एक तरीके से आप कस्बा इलाके इसको कह सकते हैं। यहाँ पर वर्चस्व को लेकर हमेशा ही लड़ाई रहती है, चाहे वो किसी भी कार्य को लेकर हो। आपको बताना चाहूँगा, मोदी नगर वही इलाका है जहाँ वर्षों पूर्व केबल के व्यवसाय को लेकर भी दबा के यहाँ लोगों के हत्याएं हुई थी, और इसके अलावा भी यहाँ पर जो मेडिकल का जो काम है उसको लेकर भी यहाँ वर्चस्व की बात चलती रहती है। विधायक का जो मंजू सिवाच है, इनका खुद का भी एक हॉस्पिटल है। इनके पति द्वारा जो परिजनों का आरोप है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि विधायक का तो सिर्फ नाम के लिए है मंजू सिवाच, उनके पति देवेंद्र सिवाच जो है वो ही उनके तमाम कार्य देखा करते थे, उनकी ही सहभागिता अन्य कामों में हुआ करती थी। और यही कारण भी रहा कि अक्षय की मौत के पीछे असल वजह क्या रही, उसकी हत्या के पीछे क्या असल वजह रही, इस तफ्तीश के बाद ही पुलिस बता पाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, तो दबंगई दिखाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया ये कहा जा रहा है, हालांकि जिस व्यक्ति की मौत